थाना मझौला के इलाके खुशहालपुर पर चक्की वाली गली निवासी कारोबारी 34 वर्षीय अमरीक की शादी संदीप कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद भी बीवी लगातार अपने पुराने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती। अमरीक ने उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन बीवी ने अपने पुराने आशिक से बात करना और मिलना बंद नहीं किया। इस बात की शिकायत अमरीक ने घर वालों से की। सभी ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बीवी फिर भी नहीं मानी और पति अमरीक और उसके घर वालों को दहेज के लिए केस में बंद कराए जाने की धमकी देती रही। अपने मायके जिला रामपुर थाना स्वार के गांव आकाश पहुंच गई। कुछ दिन बाद अमरीक ने सोचा कि उसकी बीवी का गुस्सा शांत हो गया होगा। वो उसे घर लाने के लिए रामपुर पहुंचा। अमरीक को बीवी संदीप कौर उसके घर वालों ने बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बीवी ने तरह तरह की बातें करते हुए अमरीक को आत्महत्या के लिए मजबूर तक किया। अमरीक मुरादाबाद आया और किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के लिए कांट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। 17 जुलाई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत से गमजदा परिवार के लोगों ने सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर से इंसाफ की गुहार लगाई। सीओ सिविल लाइन के आदेश पर इंस्पेक्टर मंझौला द्वारा बीवी संदीप कौर, परिवार की महिला बलवीर कौर, मनदीप कौर, कर्मजीत कौर, अमृतपाल उर्फ गोपी, बलजीत और उमेश के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित पिता जोगा सिंह ने मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आला अधिकारियों से सभी दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वो परेशान करती थी लड़के को और एक साल से वो अपनी माँ के पास रह रही थी। माँ के पास रह रही थी, पता नहीं कहाँ रह रही थी। और वहाँ से उसकी माँ, उसका भाई अमित पाल, उसका शाडू और उसकी सालियाँ लड़के को परेशान करती थी, तुम लड़की के नाम जमीन लिखवा दो, उसके नाम मकान लिखवा दो, हमें कुछ पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बंद करा देंगे, तुम्हें जेल में छुड़वा देंगे। उसके बाद उसने रामपुर जाके महिला थाने में रिपोर्ट करी। वहाँ से भी बार बार हमें कॉल आती थी, तुम आप यहाँ आइए, हम वहाँ जाते थे, वहाँ हमें पड़ताल कराती थी। उसके बाद स्वाद ने उसने FIR लिखवाई। FIR लिखवाने के बाद उसने हमारे पास 36 में पद में लिखवा दिए हैं, जिसमें छपका नाम हमारे का नाम लिखवा दिया। उसके बाद उसने रामपुर में 125 का मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के बाद वो पैसों की डिमांड करती थी, हमें पैसे दाओ, हम तुम्हें मार देंगे, मर जाएंगे। वो अपने यार किसी यार उमेश कुमार के शहर आ रही थी, वहाँ से यहाँ नहीं रहे थे। उसको बहुत समझाया, तू अपने घर आ जा, बोल रही मैं नहीं आऊँगी, तुम मर जाओ, खुश हो जाओ, हमें पैसे दो, हमें ज़मीन दो, हमारे नाम लगाओ। हमारी छोटी बेटी, हमारी पोती जिसका नाम शर्मदीप है, उसको 7 साल ये घूमती थी। हम प्रशासन प्रसारण करते हैं, हमारी पोती को दिलवाया जाए है। उसके बाद ये सोच सोच के लड़का हमारा परेशान था। परेशान होने के बाद उसने ये क्वाइन खा लिया और जिसको उसको हम सिविल अस्पताल में 108 नंबर की एम्बुलेंस से वहाँ ले गए, वहाँ सफाई कराई। उसके बाद को वहाँ से TMU अस्पताल में ले गए, वहाँ TMU से एमरजेंसी से ICU में, ICU में भर्ती किया गया, पूरा ट्रीटमेंट दिया गया। वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, जिसका पंचनामा खुशहालपुर चौकी के इंस्पेक्टर साहब ने भरा और उसको PM के पोस्टमार्टम बोर्ड के लिए PM हाउस रेफर कर दिया। वहाँ पहुँच के उसको वहाँ भर्ती, अब आपने एमरजेंसी रिपोर्ट बॉडी लेके आए, उसका दाह संस्कार कर दिया। अब उसके बाद हम घर पे अखंड पाठ करना थी, शांति के लिए पाठ करवाना था, तो घर में सफाई करते हुए उसकी अलमारी से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें उन्हें पूरा लिखा हुआ है कि ये लोग मुझे ये परेशान करते थे, मुझे मारने की धमकी देते थे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते, इसके लिए मैं अपने नखे जहर खा के अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। जिसकी सूचना हमने थाना मझोले में दे दी थी और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट कर दी इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए और रिपोर्ट लिखने के बाद उसको तुरंत कार्रवाई किया जाए। हम सिर्फ जिला प्रशासन और अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख के और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करी जाए, जिससे वो कठोर दंड मिले। हमारा सोचने लगते खत्म होने के बाद कमर तोड़ती, हमें कुछ सुझाव नहीं मिल रहा, हम क्या करें। हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारी उम्र 66 के करीब है, मेरी और मेरी विशेष की, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ आ रहा। हमारा दिमाग बहुत परेशान है, आपसे फिर आज दोबारा हाथ के परेशान प्रार्थना करते हैं, हमारी रिपोर्ट लिख कर हमारा साथ दिया जाए। उनके ऊपर उनके माँ बाप माँ बलबीर कौर, भाई अमृतपाल सिंह और शाहरुख
साधु उसकी माँ भाई संजीव कौर उसकी बहनें सारियाँ उनको कार्य की है जो उसको परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान किया था और परेशान करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। जब वो यहाँ रहती थी तो उसने जाते जाते यहाँ गैस का पाइप काट दिया, पाइप देखा था देख लेते घर में आग ले लेती, तमाम शीशे तोड़ दिए, दीवार धोए, बर्तन तोड़ दिए, चूल्हे तोड़ दिए और मारने की धमकी देती, मैं तुम्हें जला भी मार दूँगी। यहाँ आकर वो जोर से झगड़ा करती थी और जोर चिल्लाती थी, मैं तुम्हें फंसवा दूँगी, मैं पुलिस लेके आ रही हूँ, SP को बात बैठी हुई और तुम भाव काम भागोगे, तुम्हारी हड्डियाँ लड़वा दूँगी। उसकी माँ कहती तो आ रही हूँ मैं अपने बड़े मुन्ना क्या पूरे मैं तुम्हारे आदमी लेके आ रही हूँ, तुम्हें मरवाऊँगी, अपने हड्डियों में तेल लगा लियो, हैं जहाँ तक भाव कहाँ तक भागोगे, तुम छोड़ेंगे तुम्हें, आ रही हूँ मैं। और उसके बाद आई भी आई को मतलब 10-15 आदमी वैसे लेके आई, लेके साथ बोले ले आई, यहाँ कहती जाके उसका दादा कहता था कि तुम्हें हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हैं और लेके उसको जिसकी थाने में रिपोर्ट करी थी